गाइस हम यहाँ के एक मॉल के अंदर आ गए हैं, एक मार्ट में। चार एग हैं 3.7, लगभग 350 रुपए के चार अंडे। ये अनजान शहर में और अपने देश का झंडा देखो यार, ऐसा लगता है क्या ही मिल गया है। सीरियसली गाइस हम जा रहे हैं बहुत ही फेमस ब्रिज पे, जो कि लुसेंट का केवल एक ही लोता ब्रिज बचा। बहुत पुराने थे यहाँ पे, 3-4 ब्रिज थे आई थिंक पहले। ब्लॉगर ब्लॉगर बताएं, अब हम जा रहे हैं मिलानो। मिलान हमने लिकॉर्नर से मिलान के लिए ट्रेन लिए, मिलान से फ्लोरेंस। क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, धूप पड़ती है। ये कोई मॉल है आई थिंक, KKL लुसेंट, व्हाट इज दिस, कोई कोई मॉल है आई थिंक। देख लिखा KKL कुछ लिखा हुआ है। मॉल की सबसे महंगी पार्किंग होती है। जहाँ भी कर दी बिल्कुल सही किया, आपको कोई बात नहीं है, 10-15 फ्रैंक लग जाएंगे, अंदरों गाड़ी सही सलामत पहुंच गई। तो ये नदियाँ और ये नाले और मतलब नदियाँ नाले भी सुंदर है। नाले नदियाँ नाले भी इतनी, उसको ना चार चांद लगाते हैं सिटी को, ऐसा कैसे है, अनबिलीवेबल। मतलब एक छोटा सा शहर भी, एक छोटा सा गांव तक ऐसी मूवी की तो शूटिंग होती रहती है, पीछे ये चलती रहती हैं बसें। देख हाँ। तीन बस जुड़ी हुई है इसमें तो। हाँ। इन बसों ने तो दिमाग खराब हो रखा है। यहाँ पे गहराई देख, पूरी क्लीन दिख रही है नीचे तक। अरे हाँ यार, यहाँ तो आराम से नहाया जा सकता है। कोई कोई फोन। मैंने वो भी देखा था, कोई कैसल देखा था आई थिंक, पता नहीं कहीं था। यार ज्यूरिख भी चलना है क्या? गाइस हम जा रहे हैं बहुत ही फेमस ब्रिज पे, जो कि लुसेंट का केवल एक ही लोता ब्रिज बचा। बहुत पुराने थे यहाँ पे, 3-4 ब्रिज थे आई थिंक पहले, 4-5 ब्रिज थे, वो सब डैमेज हो चुके हैं ड्यू टू ओल्ड एज। लेकिन अब एक ही ब्रिज उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन्होंने अपने टूरिस्ट के लिए, तो हम उसी का एक सिटी टूर वॉक लेने जाने वाले हैं। ओल्ड टाइम्स में इस ब्रिज को पार, यहाँ पे इस लेक को पार करने के लिए बनाए गए थे। तो ये जगह जगह बनाए गए थे हर सिटी के हर कोने पे, तो अब केवल एक ही ये ब्रिज बचा है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, तो उसी को हम देखने वाले हैं। हमारे ब्लॉगर साथ में। इसमें पहले लिखा हुआ है कि सीक्रेट पिलर का लाभ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जल चुके हैं ये पहले से कुछ ब्रिज, केवल एक ही ब्रिज जो अब है बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत पुरानी बात हो, ये कम से कम एशियंट टाइम का वो है, एशियंट है जो यहाँ की शिव सेना थी। देखो शिव सेना के कुछ फोटो बने हुए, चित्रकारी हुए, ये उस समय का ब्रिज है। ये देखो लड़ाई करते हुए, कुछ पिक लड़ाई करते हुए हैं, जहाँ लोग अपना स्नैक्स वगैरह का लुक उठाते हुए। बहुत ही क्रिस्टल वाटर है, अभी भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ गहराई होगी कम से कम 50 फुट अंदर तक दिख रहा है। व्हाट इज दिस, देखो लव सोनिया, व्हाट इज जूलिया, ये देखो ये क्या है, मतलब सब जगह आशिक तो हर कंट्री में घुसे हुए हैं। ये हिंदी वाले भी है, क्या लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है, मतलब इंडिया वाले छाप छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं। वैसे मॉन्यूमेंट तो खराब करते ही हैं। चाइनीज में भी लिखा हुआ किसी ने, चाइनीज वाले भी है, यानी कि हरी कंट्री में ऐसे लोग बसे हैं। जर्मन में भी लिखा हुआ है, उसने जर्मन में लिखा है इस बिन। देखा सोनिया बहुत ही सुंदर है, व्हाट इज दिस, मतलब लोगों ने ना अपने लैंग्वेज में लिखे हुए, हम क्यों लिखे, हम क्यों मॉन्यूमेंट्स को खराब कर रहे हैं। ये तो कुछ हो, वाओ इट्स वाइन, बहुत ही प्रीमियम कलेक्शन है, बहुत ही प्रीमियम कलेक्शन है। अपना पूरा हिस्टोरिकल पूरा डेटा शेयर किया गया है यहाँ पे, कैसे सेना में वो जीते थे हारे थे, तो इस सिटी को बनाने के लिए वो मेन यहाँ का, जहाँ से यहाँ पे निगरानी रहती थी पूरी कैसल की। एक ही मॉन्यूमेंट बजाय भी है, पहले और भी थे, अब तो नहीं है यहाँ पे इतने। अरे वाह,
ये देखो अपने देश का फ्लैग गाइस, थाई मिल पंजाबी तंदूरी साग इंडियन, ये चार 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 हजार के छोले कुलचे गाइस, पकोड़ा देखो 800 रुपए का है कम से कम, 800 का ही पकोड़ा, दाल मखनी है 2400 रुपए की, कम से कम 2300 रुपए के मान लो, मतलब अंत के देखो, मतलब इतनी महंगाई है। हाँ गाइस, तो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि जैसे किसी अनजान शहर में और अपने देश का झंडा देखो यार, ऐसा लगता है क्या ही मिल गया है, सीरियसली बहुत ही प्यारा लगता है यार। अब यहाँ के पता पड़ता है कि यार फ्लैग की कितनी वैल्यू होती है सच में। गाइस, हम यहाँ के एक मॉल के अंदर आ गए हैं, एक मार्ट में, जिसमें सब्जी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, सब कुछ हैं, सब अपना अपना सामान ले रहे हैं घर के। ये है एग, चार एग हैं, 3.7 लगभग 350 रुपये के चार अंडे, ये सस्ता है, दूध सस्ता है यहाँ पे, ये ले लेते हैं 1.5 वाला, वो बताएगा कौन सा है। हाँ ले लेते हैं, अच्छा सा ले लेते हैं, कुछ बना के खाएंगे अच्छा सा। नितेश दिलवा देना वो पिज्ज़ा वगैरह, बोल रही है चलो नितेश, सेल्फी के साथ बना। हाँ। यही इसी कैमरे से। हाँ। मेरी बात सुनो। ये देखिए वादियाँ वादियाँ, पूरी घास वास सब जगह काटी हुई है। गवर्नमेंट पैसे देती है ना घास काटने के? नहीं नहीं, घास काटने के नहीं, वो शायद वो कह रहा था सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। मतलब फिर भी घास काटने की ही होती है ना वो, कि तुम घास अगर ऐसे घास काटो तो यहाँ पे पानी वानी अच्छा रहेगा, ये बोल तो रहा था एनवायरमेंट फ्रेंडली है। पीछे जा रही है गाड़ी, नितेश साइड में देखो तुम, वीडियो बना लो। फोटो ले ली चादरों से, इसकी लाइट कितनी बंद हो रही है।